दोस्तों श्रेणी मूल में आपका स्वागत है। ये इकोनॉमिक्स का सेट है, आपका अर्थव्यवस्था का सेट है। आपके सिलेबस में अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ दिया हुआ है कि 6 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से भी आएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक्स से आपका क्वेश्चन हम लिए हैं, जो कि बिहार और पूरा भारत से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। जो पहला क्वेश्चन है आपके बिहार से पटना से ही है, पटना बिहार की राजधानी है। दिया है कि जो पटना नगर निगम है उसका आय का स्रोत इसमें से कौन नहीं है, ये दे रहा है। ठीक, तो आपको आंसर बताना है। देखिए नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव 1/3 है बिहार फॉरेस्ट गार्ड में। अगर नेगेटिव लेते हैं तो बहुत पछताइएगा आप, और इसे अभी से अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसीलिए अभी से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला आप लगाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। बिक्री कर हो जाए, ये पटना नगर निगम आय का कौन सा स्रोत नहीं है, तो बिक्री कर नहीं है, बाकी तीनों स्रोत है। अधिकतर आप देखिएगा नगर निगम का आय का स्रोत ये सब होता ही होता है। ठीक, लेकिन बिक्री कर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कीमत प्रायः कम होती है, जो कीमत हो जाती है वो प्रायः कम हो जाती है किसमें, तो मुद्रास्फीति में तो बढ़ जाती है। आपको देखिएगा कि मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती है। ठीक, इकोनॉमिक्स में जबकि कम होती है किसमें, तो आर्थिक मंदी हो तो उस समय कीमतें कम हो जाती है, पैसा कम पड़ जाता है। आर्थिक मंदी आप देखे होंगे 1930 का आर्थिक मंदी भी आप जानते होंगे, तो दूसरे के आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आप जब भी लगाइए कोशिश कीजिए कि निगेटिव ना लें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। ठीक, उस पर ज़्यादा ये नहीं करने की ज़रूरत है। आगे जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा या अंतिम में आएगा शुरू में, कि आप वो क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक, 1930 के दशक में देखिए आया क्वेश्चन, 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ से प्रारंभ हुआ था, जो आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ये क्वेश्चन दे रहा है। ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट जुड़ाव किससे है, हिटलर से है या जर्मनी से है। क्योंकि फर्स्ट जो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट हुआ था 1914 से 18 में, उसमें जर्मनी पर बहुत से जुर्माना लगा दिया था, और ये आर्थिक मंदी जब आया तो उसी समय से जर्मनी इसका, वो तो शुरू से ही उसका विद्रोह वहाँ पर करने लगे थे लोग, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि यूएसए और बहुत से देश जर्मनी से पैसा मांगने लगे थे जल्दी जल्दी। ठीक, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट हुआ था आर्थिक मंदी। एक आर्थिक अभी मंदी फिर भी आया था, ये 2008 से 10 के बीच आया था, 2008 के करीब ही आया था एक बार फिर, आप देखे होंगे। ठीक, तो तीसरे का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, जो भारत है। देखिए पंचवर्षीय योजना से 4-5 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक, ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, अब पक्का मानिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पंचवर्षीय योजना से। जैसे कि गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, गरीबों को ही लोग हटाने लगे थे। ठीक, इंदिरा गांधी के समय था उस समय। तो भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन दे रहा है। तो जो तृतीय प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1961 को हुआ था, कब हुआ था, 1 अप्रैल 1961 को हुआ था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आप लगाते चलिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, 66 तक चली से, 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बनता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के किस बल पर दिया, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये भी आगे क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट हुआ था। अब ये बताना है आपको कि किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी है कि किस पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसमें बताना है कि किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, तो कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कृषि। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आज़ादी के बाद आया था, ठीक, तो इस पर कृषि पर ही पहले ध्यान दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप बोला जाता है, या बैंकों का बैंक आप बोल सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय बैंक है ये, जो कि केंद्रीय मुद्रा जारी करता है, पैसा जो रुपया होता है ना, पैसा नोट वो जारी करता है, ये कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 के एक्ट द्वारा 1935 में इसका गठन हुआ था, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे भारत का राष्ट्रीय बैंक बोला जाता है, याद रखिएगा। और जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय भी पूछता है। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा। और रिजर्व बैंक जो है क्या बोला जाता है, जारी करने वाला, जो ये पूछ रहा है कि जो ये जारी करते हैं 1 रुपया का जो होता है ना नोट, उस पर किस किसका होता है, तो उसका वित्त एवं सचिव का होता है, उसे रिजर्व बैंक के गवर्नर का नहीं होता है। ठीक, रिजर्व बैंक का गवर्नर का नोट पर होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चन ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था RBI का, ये भी याद रखिएगा, बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, आखिर मुझे बताना नहीं चाहिए था आंसर, किसका होता है हस्ताक्षर, ये बताना है आपको कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसका होता है, उसके ऊपर RBI के गवर्नर का नहीं होता है, वो सचिव होता है, जो कि वित्त मंत्रालय का होता है, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है, याद रखिएगा। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है, जो बिक्री कर है वो लगाता कौन है और कौन वसूल करता है, ये बताना है आपको। पेशेंस रखिए, आराम से ही क्वेश्चन को बनाइए। ठीक, तो आप आसान से ही समझिएगा कि कोई भी राज्य में अगर कोई भी चीज़ बिकता है तो लगाता है और वो वसूल करता है। ठीक, अब बाकी बंटवारा कैसे होगा वो बाद में दिखा जाएगा। ठीक, ये राज्य लगाता है, कौन लगाता है, राज्य, और वसूल भी राज्य ही करता है, याद रखिएगा। ठीक, तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, 8 के आंसर आप लगा लीजिएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं कि किसी, अब तो जीएसटी आ गया है, आप देखते होंगे गुड एंड सर्विस टैक्स आ गया है। सबसे पहले कौन से देश में स्टार्ट किया गया था, तो फ्रांस में स्टार्ट किया गया था, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और हम लोग जीएसटी अब उपयोग करते हैं जीएसटी का, ठीक, इस किस मॉडल पर आधारित है, ये भी दे सकता है कि जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हम लोग का कनाडा के मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में भिलाई और दुर्गापुर का इस्पात कारखाना लगाए गए, किस पंचवर्षीय योजना में जो इस्पात कारखाना लगाए गए थे, इसके इस्पात कारखाना, या आप देख सकते हैं भिलाई और दुर्गापुर, ये पूछ सकता है किसके सहयोग से भी लगाए गए थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कारखाना किस लिए लगाया जाता है, औद्योगिकरण के लिए, तो औद्योगिकरण आखिर किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को दो दो क्वेश्चन आप बना सकते हैं आगे भी क्वेश्चन। तो ये जो लगाया गया था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार है, मींस कि सबसे अधिक श्रमिक है, सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं, किसमें से पूछ रहा है कि किस उद्योग में, ठीक। तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि क्या, तो वस्त्र उद्योग, जो वस्त्र का उद्योग है इसमें सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक, इसमें से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये आपको बताना है। तो ये कौन कहे थे, तो जब मार्शल जी ने कहे थे, कौन कहे थे, तो इसका मार्शल हो जाएगा ए, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शून्य आधार वाला बजट पर सर्वप्रथम लागू हुआ था, जो शून्य आधार वाला बजट है ये कौन से सबसे पहले देश लागू किया गया था, ये पूछ रहा है, शून्य आधार वाला बजट, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक, याद रखिएगा। शून्य आधार वाला बजट किसने लागू किया था, यूएसए लागू किया था। 12 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है, जो भारत में विदेशी मुद्रा है इसका क्रय और विक्रय कौन से नियंत्रित करता है संस्था, इसमें से बताना है, तो वो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, जो भारत का राष्ट्रीय बैंक है, ये करता है, याद रखिएगा, ठीक। अभी इसके जो गवर्नर है वो शशिकांत दास जी हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इससे पहले उर्जित पटेल जी थे, उससे पहले रघुराम राजन जी थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई, जो देखिए आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन ये नहीं बताया था इसका डेट, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो 1951 में स्टार्ट किया गया था, 1951 से और 1956 तक, ठीक, और द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66 तक, ठीक, याद रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था, और जो योजना आयोग है, योजना आयोग अब नीति आयोग हो चुका है, ठीक, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, या नीति आयोग भी आप बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं उसका अध्यक्ष। 14 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है, ये पूर्णतः निजी क्षेत्र है, मींस कि अपना क्षेत्र है, मींस कि खुद का आपका क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, ये निजी क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो ये कौन सा है, सब लोग जानता है, सबसे ज़्यादा जिसमें लगे हुए हैं लोग, कृषि, तो कृषि क्षेत्र है, भारत कृषि प्रधान देश है और ये निजी क्षेत्र में आता है, तो ये कृषि क्षेत्र है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था, जो देखिए ये भी मैंने बताया नहीं इसलिए, क्योंकि आपको डेट बता दिया लेकिन नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन था, जो प्रथम था वो कृषि पर था, द्वितीय आखिर किस पर था जी, तो वो तीव्र औद्योगिक विकास, ये ऊपर मैंने बताया था ना कि जैसे दो कारखाना बना था, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 56 से 61 के बीच, 1956 से 61 के बीच था, ठीक, ये तीव्र औद्योगिक विकास पर था, ठीक, याद रखिएगा। 56, 57, 60 के 61, ठीक, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और तो तीव्र औद्योगिकरण के लिए, और इससे क्या होगा कि औद्योगिकरण होगा तो आपको आय मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, जॉब मिलेगा, इस सब का इसका मेन ध्येय था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, 17 है, 7 नहीं माफ कीजिएगा 17 है कि आई आर डी पी के नाम सुने होंगे, IRDP, ठीक, क्या होता है कि केंद्रीय प्रौद्योगिक एकीकृत ग्रामीण विकास का क्रम इसका है, जो कि IRDP की शुरुआत की गई थी, ये पूछ रहा है कि कब किया गया था, ये देखिए महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर किया गया था, बताइए अब कब किया गया था, ठीक। तो ये जो किया गया था, जो कि केंद्रीय प्रयोजित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक है, ठीक, ये जो किया गया था, ये किया गया था 1980 अक्टूबर में, कौन अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक। 17 के आंसर डी हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं वैसा भी क्वेश्चन लिया हूं जो कि आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि DWCUA, डावाकुआ भी ऐसे लोग बहुत बोलते हैं चिल भाषा में, ये किससे संबंधित है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये किससे है, तो ये इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में जो है डेवलपमेंट वुमेन का और बच्चों का, मीन्स चिल्ड्रन का करने के लिए किया गया है,
तो आप समझ सकते हैं। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगाइए, अब नहीं लगाइएगा तो समझिए। शहरी महिला स्वरोजगार से संबंधित है, किसे? शहरी महिला स्वरोजगार से इसका संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक, महिला विकास, जैसे कि विकास कार्यक्रम भी बाल भी विकास देता तो वो भी सही रहता, लेकिन यहाँ पर बाल विकास नहीं लिखा है, यहाँ प्रौढ़ शिक्षा से लिखा है, तो ये सही नहीं है। इसका आंसर 18 का ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, ये अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं हम लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार और पूंजीवादी, मीन्स की प्राइवेट और जो पब्लिक, दोनों सेक्टर मिलीजुली काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत के अभी पूछ सकता है कि कौन सा अर्थव्यवस्था है, जो कि पूछा हुआ सवाल है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चाइना में साम्यवादी है, रूस में साम्यवादी, वो सब है। ठीक, तो चाइना भी अभी मिश्रित ही अर्थव्यवस्था पर काम करता है, क्योंकि वो भी अपना प्राइवेटाइजेशन बहुत कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें से आपको बताना है कि क्या होता है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता, डायरेक्ट प्राइवेट रहता है, मीन्स की कंपटीशन एकदम खुला रहता है, ओपन कंपटीशन रहता है, कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता, सरकार होकर कोई नहीं। ठीक, जैसे कि विकसित देशों का अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं ज़्यादातर। ठीक, अब तो ज़्यादातर देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था आ चुका है, तो 19 का डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, जो देखा नहीं, अदृश्य मीन्स की नहीं दिखाई देता है, वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है? आप समझ सकते हैं किसमें पाई जाती है, वो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा लोग भी लगे हुए हैं किसमें, कृषि के क्षेत्र में, ये कृषि प्रधान भारत देश है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है, जो आर्थिक विकास है, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए और बताइए कि इसमें किसमें गिनती होती है। ऑप्शन पूरा पढ़िए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में, आपको बताना है किसमें होती है। तो सब लोग जानता है कि भारत जो है वो विकासशील है, विकासशील देश है, मीन्स कि अभी विकसित में आने वाला है, विकासशील है, विकास कर रहा है तेजी से, ठीक ना। और विकसित में कौन हो जाएंगे, जैसे कि अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोपीय देश जितना हुआ, वो सब विकसित में आ जाता है। ठीक, जापान, ये सब हम लोग का जो देश है वो विकासशील देश है, याद रखिए। तो किसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत बहुमूल्य में आयात करता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा देकर आयात करता है, बहुमूल्य आयात करता है, मीन्स की ये क्या करता है, जूट का करता है, तो जूट तो खुद ही भारत क्या है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, या भारत में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये तो करता नहीं है। नमक, नमक का कभी सुने हैं, ये भी नहीं करता है। चाय, इंडिया में स्वतः उत्पादन और स्वतः खपत करने वाला इंडिया सबसे बड़ा है चाय के लिए, ठीक ना, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और अपने ही बाज़ार में खपत भी हो जाता है चाय का। तो क्या बचा, LPG, ठीक, जो कि गैस सिलेंडर, गैस वाला होता है, दूसरे देश से, जैसे कि अरब में बहुत से देश हैं उनसे आता है, और भी देश से आता है LPG, मीन्स की गैस आता है, ठीक, तेल भी आता है। ठीक, तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई हो तो मूल ह्रास होगा, यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई होता है तो मूल ह्रास होगा, कितना ह्रास होगा ये पूछ रहा है। तो मूल अस्थाई होता है तो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि अस्थाई है तो मूल ह्रास होगा ही नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक, अब अगर 11th में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर दिए होंगे। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, ये क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। ठीक, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मैं नोबेल पुरस्कार पर पूरा बताया हूँ कि नोबेल पुरस्कार जो कि अल्फर्ड नोबेल के जन्मतिथि पर, मतलब कि मरण तिथि पर दिया जाता है, अल्फर्ड नोबेल जो कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, पहले 5 ही क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन 1969 से ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। ठीक, तो इस किस क्षेत्र में दिया गया था अमर्त्य सेन को, तो ये भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 1998 करीब दिया गया था इनको। ठीक, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया था 1998 में, सबसे पहले किसे दिया गया था भारत में, तो इसका तो आंसर आगे बी हो जाएगा। सबसे पहले दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, कब, 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए, फिर सी वी रमन को दिया गया था 1930 में, 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में, बहुत से और भी दिए गए हैं, जैसे कि मदर टेरेसा को भी शांति के क्षेत्र में, अभी मलाला यूसुफ़ज़ई और उसका कैलाश सत्यनारायण को दिया गया था कुछ साल पहले, दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। ठीक, शांति के क्षेत्र में उनको भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, जो पंचवर्षीय योजना है जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती है मुख्यतः, ये किससे संबंधित है। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक, एक अर्थव्यवस्था नामक एक अर्थ क्या है, एक नहीं आ रहा है, देखिए अभी जुबान पर नहीं आ रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसा कितना बनाइए ये भी बताइएगा। मैंने आपको आगाह किया था कि आपने नेगेटिव नहीं लेना है, आप नेगेटिव नहीं लिए होंगे, आई होप, मैं ये समझता हूँ।
ठीक, क्योंकि देखिए नेगेटिव लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, देखिए मैं बताऊंगा कि कितना क्वेश्चन कर आपको आना है बिहार फॉरेस्ट गार्ड में और कितना स्किप करना है, क्योंकि स्किप करना सबसे जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में पता चलेगा कि किसी का तो 15 नंबर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए मार्क्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।